वहाँ पे SAS है, वहाँ पे स्पेशल बोट सर्विस है, वहाँ पे US नेवी सील्स हैं, वहाँ पे डेल्टा फोर्स है, वहाँ पे ग्रीन बेरे है, वहाँ पे ये सारों का जमघट है। सिविलियन क्लोथ्स में ये लोग एम्बेडेड हैं यूक्रेनियन यूनिट्स के साथ और वो गाइड और एडवाइस कर रहे हैं ना। यूक्रेन इज द टेस्टिंग ग्राउंड ऑफ स्पेशल फोर्सेस। दोस्तों, चाणक्य फोरम की फाउंडर रिटायर्ड मेजर गौरव आर्या मानते हैं कि यूक्रेन स्पेशल फोर्सेस का टेस्टिंग ग्राउंड है, जहां डेल्टा फोर्स, द स्पेशल बोट सर्विस, यूएस नेवी सील्स जैसे एडवांस स्पेशल फोर्सेस बैकग्राउंड से ऑपरेट कर रहे हैं, क्योंकि इसके बिना ट्रेन्ड रशियन फोर्सेस के सामने लंबे समय तक टिक पाना संभव नहीं है। नमस्कार, वेलकम टू द मंच 35। मैं आदर्श वाराहमिहिर। देखिए, इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि हजार कोशिशों के बाद भी रूसी फोर्स क्यों नहीं पहुंच पाई, जबकि यूक्रेन के लोग रूस को टफ फाइट दे रहे हैं। कई इलाकों पर रूस का कब्जा जरूर है, परंतु उत्तर के इलाके, बेलारूस के बॉर्डर, पूर्व के कुछ इलाकों पर रूस अपना पूरी तरह नियंत्रण नहीं बना पा रहा है। ग्लोबल फायर पावर के लेटेस्ट 2022 के मिलिट्री पावर इंडेक्स को देखें तो यूक्रेन की स्थिति रूस के सामने बेहद कमजोर है। रूस जहां सेकंड पोजीशन पर है, वहीं यूक्रेन 22वें स्थान पर है। फिर यूक्रेन ने जैसे भी रूस को रोक कर रखा है, उसने विश्लेषकों को हैरान कर दिया है। यूक्रेन ने क्रीमिया व रूस को जोड़ने वाले ब्रिज को क्षतिग्रस्त कर दिया, रूस के कार्गो शिप मोस्कोवा को डुबो दिया, अपने समुद्री तट और ओडेसा शहर को रूस से दूर रखा। ये एक जबरदस्त युद्ध नीति है। युद्ध के लंबा चलने से रूस मुश्किल में पड़ सकता है। रिसर्च बताता है कि रूस को लगभग $900 मिलियन प्रतिदिन खर्च करना पड़ रहा है। ऐसे में उसने घातक हथियारों की बजाय सस्ते ईरानी ड्रोन पर भरोसा जताया है, ताकि युद्ध को लंबे चलने के एवज में खर्च को कम किया जा सके। हमने आपको ईरानी ड्रोन के संबंध में अपनी पुरानी वीडियो व्हाई इजराइल इज न्यूट्रल इन द रशिया यूक्रेन वॉर ने बताया है कि ये ईरानी ड्रोन यूक्रेन को मुश्किल में डाल सकते हैं। दूसरी समस्या रूस की जनसंख्या है। रूस अपनी जनसंख्या के कम होने से परेशान है। रूस की तरफ से सीरियन लड़ाके और यंग रूसी सैनिक लड़ रहे हैं। पुतिन ने कोशिश की है कि मिलिट्री मोबिलाइजेशन को याद दिलाकर युवाओं को युद्ध की तरफ मोड़ा जाए, पर क्या यह सही रणनीति है? उत्तर समय के गर्भ में है। रूस के नजरिए से देखा जाए तो यूरोपीय संघ में कई महीन दरारें दिख रही हैं। बिगाई से देखें तो जर्मनी, हंगरी और इटली युद्ध से ऑलमोस्ट फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं। सबसे पहले इटली चलते हैं। यहाँ पूर्व प्रधानमंत्री ब्लूस्कोनी ने जेलेंस्की को इस युद्ध के लिए जिम्मेदार ठहराया। नई निर्वाचित प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी अभी प्रोटोकॉल की वजह से बहुत कुछ बोलने से बच रही हैं, लेकिन चुनाव कैंपेन के दौरान उन्होंने भी रूस की साइड ली थी और इस युद्ध को गैर जरूरी करार दिया था। इटली में महंगाई दर और फ्यूल प्राइस इतनी बढ़ गई है कि ये नेता लोकतांत्रिक मूल्यों में विश्वास रखने के बावजूद ऐसा बोलने के लिए मजबूर हैं। दूसरी तरफ हंगरी ने यूरोपीय संघ द्वारा प्रस्तावित 18 बिलियन यूरो के वित्तीय मदद को ब्लॉक कर दिया है। सितंबर 2022 में यह खबर आई कि हंगरी के प्रधानमंत्री विक्टर ओरबान ने यूरोपीय संघ को कहा था कि रूस से सैंक्शंस हटा लिए जाने चाहिए, क्योंकि सैंक्शंस के कारण ही एक लोकल कॉन्फ्लिक्ट ग्लोबल इकोनॉमिक वॉर में तब्दील हो गया है। इसके अलावा उनका यह भी मानना था कि रूस पर यूरोपीय संघ का सैंक्शंस बैकफायर कर चुका है। गौरतलब यह भी है कि हंगरी के बारे में कुछ तथ्य यह भी है कि यूरोपीय संघ की संसद ने सितंबर 2022 में एक प्रस्ताव के तहत हंगरी को हाइब्रिड रिजीम वाला देश करार दिया था और कहा था कि हंगरी एक फुल डेमोक्रेसी भी नहीं है। हंगरी के प्रधानमंत्री विक्टर ओरबान व्लादिमीर पुतिन के साथ बहुत नज़दीकी संबंध रखते हैं। EU ने हंगरी के लगभग 13 बिलियन यूरो की फंडिंग को सितंबर में होल्ड कर दिया था और तब से हंगरी यूरोपीय संघ पर दबाव बना रहा है। लौटते हैं जर्मनी की तरफ। जर्मनी की हालत बेहद खराब है। यह आंकड़ा देखिए, यूरोप की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होने के बावजूद जर्मनी का यूक्रेन को मदद यूके की तुलना में कम है, जबकि जर्मनी पश्चिमी देशों में अमेरिका के बाद दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। और हैरान ये भी करता है कि यूरोप में जहां यूके ज़्यादा कंट्रीब्यूशन दे रहा है, एक बड़ी इकोनॉमी होने के बावजूद जर्मनी कम कंट्रीब्यूशन दे रहा है। हाल ही में यूके के पूर्व प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने भी क्लेम कर ये सनसनी मचा दी कि जर्मनी चाहता था कि यूक्रेन ये वॉर जल्दी हार जाए। दूसरी तरफ यूक्रेन अपना 15% जमीन
रूस को गवा बैठा है। रूस ने यूक्रेन को 4 क्षेत्र लुहांस्क, डोनेट्स्क, जेपोरिजिया और खेरसान को जनमत संग्रह के माध्यम से अपने देश में मिलाने की घोषणा कर दी है। ये चारों क्षेत्र बेहद स्ट्रैटेजिक हैं। रूसी मूल के लोगों की तादाद ज़्यादा होने के साथ साथ लुहांस्क कोयला का विशाल भंडार रखता है। डोनेट्स स्टील और औद्योगिक उत्पादन के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। जेपोरिजिया में यूरोप का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट है और यह क्षेत्र क्रीमिया से केवल 200 किलोमीटर दूर है। वहीं खेरसान ब्लैक सी में स्ट्रैटेजिक पोर्ट रखता है और इसीलिए यहाँ शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री काफ़ी विकसित अवस्था में है। वहीं अमेरिका के नज़रिए से देखें तो ये युद्ध उनके देश के लिए फ़ायदे का सौदा साबित हो रहा है। रूस की क्षमता एक्सपोज हो गई है। ज़्यादातर देश दबिश्वर में यह मानने लगे हैं कि रूस उतना ताकतवर नहीं है जितना कि वह बताता है। यूक्रेन के कई इलाकों में रूस फंस चुका है और वो इस जंग से बाहर निकलना चाहता है। यूएसए चाहता था कि नाटो का एक्सपेंशन हो, जबकि रूस इसे रोकना चाहता था। लेकिन इसी युद्ध के दौरान फिनलैंड और स्वीडन नाटो की सदस्यता के लिए आमंत्रित किए जा चुके हैं। फिनलैंड के नाटो सदस्यता को लेकर रूस इतना गुस्सा हुआ था कि उसने फिनलैंड पर आक्रमण करने की भी धमकी दे दी थी। तीसरी तरफ इस युद्ध के बाद यूरोप लिटरली डर गया है। लगभग सभी देश अपना डिफेंस बजट बढ़ाने में लगे हुए हैं। सबको लगता है कि अमेरिका बार बार हमें बचाने नहीं आएगा, इसीलिए अपनी सुरक्षा अपने हाथ में है। कम से कम पोलैंड मिसाइल घटना के बाद यूरोपीय देश दबेश्वर में यह बात जरूर करने लगे हैं। इसीलिए अमेरिकन हथियारों के लिए ये सबसे अधिक लाभ वाली स्थिति है। फिनलैंड ने 64 F-35 लड़ाकू विमानों को खरीदने का समझौता कर लिया है। जर्मनी F-35 के 35 लड़ाकू विमानों को तैनात करना चाहता है। नॉर्वे F-35 के लिए मिसाइल खरीद रहा है। वहीं बॉलीवुड का ड्रीमलैंड स्विट्जरलैंड भी $5 बिलियन का F-35 प्रोग्राम ले रहा है। लेकिन लार्ज कैनवास पर देखें तो यूरोप सुरक्षा के लिए यूएसए पर अपनी डिपेंडेंसी नहीं छोड़ेगा। बात साफ है, रूस जितना डराएगा अमेरिका फायदे में रहेगा। राजनीतिक और आर्थिक रूप से यह युद्ध अमेरिका को लाभ दे रहा है। आइए इसे एक आंकड़े से समझते हैं। इस युद्ध में अमेरिका ने यूक्रेन को लगभग $60 बिलियन दिए हैं, जिनमें से फाइनेंशियल एड और ह्यूमैनिटेरियन एड वापस नहीं मिलने वाले हैं। लेकिन लगभग 13 से 14 बिलियन के मिलिट्री एड जो दिए गए हैं उसे केवल अमेरिकन हथियार ही खरीदे जा सकते हैं। इसीलिए अमेरिका इन पैसों को डिफेंस इंडस्ट्री पर सब्सिडी के तौर पर देख रहा है। बात साफ है, यह युद्ध जितना लंबा चलेगा यूरोप उतना ही डरेगा और उतना ही पैसा अमेरिकन हथियारों में डाले जाएंगे। अमेरिका में मिड टर्म इलेक्शन खत्म हो चुके हैं और इसी के साथ खत्म हो चुकी है शांति की आशा। अमेरिका का इंटरेस्ट इसी में है कि वो यूक्रेन को रूस के लिए अफगानिस्तान या वियतनाम बना दे और वह इस जंग से कभी बाहर ही ना निकल पाए और यूरोप अमेरिका पर पूरी तरह डिपेंडेंट हो जाए। वहीं रूस भी इस बात को समझता है, इसीलिए रूसी विदेश मंत्री लेवरोव का मानना है कि रूस ने कभी भी बातचीत से इनकार नहीं किया है, जबकि पहले रूस भी डीनाजिफिकेशन और वगैरह वगैरह की लंबी चौड़ी बातें करता था। मेरा मानना भी साफ है, इस जंग का अंत बहुत मुश्किल है, क्योंकि न तो रूस और न ही अमेरिका इस जंग को हारना अफोर्ड कर सकते हैं। अमेरिका की हार उसके वर्चस्व और नेतृत्व को चुनौती होगी, वहीं रूस की हार उसके नेशनल प्राइड को। नमस्कार।